हेलो फ्रेंड्स, शीलाज किचन में आपका स्वागत है। मैं मनीषा, आज हम बनाएंगे राजस्थान की फेमस शाही गुलाब जामुन की सब्ज़ी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है खोवा 250 ग्राम, एक छोटी कटोरी रवा और पानी। इनकी सहायता से हम गुलाब जामुन का निर्माण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुलाब जामुन बनाना। सबसे पहले बाउल में खोवा डालेंगे, इसके बाद इसमें थोड़ा रवा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। धीरे धीरे डालेंगे रवा और थोड़ा पानी छिड़केंगे और पानी की सहायता से जैसे पराठे का आटा लगाते हैं उस तरीके से इसका आटा तैयार करेंगे। गुलाब जामुन का आटा तैयार हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई तोड़ के गोले बना लेंगे। इस प्रकार सारे आटे के गोले बना लेंगे जो कि खोवा और रवा मिक्स करके हमने बनाया है। कढ़ाही में तेल गरम है। अब हम धीरे धीरे एक एक गुलाब जामुन डालते जाएंगे और तलते जाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट राजवाड़ी सब्जी है जिसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसे बहुत धीमी आंच में तलना है और ध्यान रखना है कि ये जले नहीं, और इसे धीरे धीरे चलाते जाएंगे ताकि ये सारी जगह से सिक जाए। तरह धीरे धीरे गुलाब जामुन सेकते जाइए। और इसे निकाल लेंगे, थोड़ा सा निकाल लेंगे और इसे अलग कर लेंगे। अब हम सब्जी की ग्रेवी बनाने की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 बड़े प्याज और अदरक लहसुन, इसे मैंने पीस लिया है। 3 बड़े टमाटरों को भी मैंने पीस लिया है। 5-6 काजू हैं जो कि छोटे छोटे कटे हुए हैं, सब्जी में डालेंगे जिससे सब्जी का टेस्ट अच्छा आएगा। व्हाइट ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें नारियल, तरबूज खरबूज के बीज, मखाने, काजू ये सब मिला के पीस लिया है। इसमें मैंने खसखस भी डाली है। सारी चीज़ें मिला के उन्हें थोड़ी देर 1 घंटे भिगा के रखा था और उसके बाद उसे मिक्स करके पीस लिया है। साथ ही चाहिए हल्दी, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कुछ खड़े मसाले, तेज पत्ता, पत्थर फूल और नीचे दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची आदि चीज़ें हैं। साथ ही चाहिए हमें 1 बड़ा चम्मच मलाई, कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक, दही जिसे मैंने फेंट लिया है, आवश्यकता अनुसार पानी और सब्जी बघारने के लिए तेल। तो चलिए शुरू करते हैं।
सेम पैन में जिसमें गुलाब जामुन तले थे उसमें खड़े मसाले डालेंगे, साथ ही डाल देंगे प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे मिक्स करेंगे। और गुलाबी होने तक भुनेंगे। अब इस प्याज में मैं डाल दूंगी हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक, फीका धनिया, कसूरी मेथी, मिक्स करेंगे और इसे सेकेंगे। ये थोड़ा भुन गया है। अब इसमें हमने काजू, मखाने, नारियल, खसखस जो पीस के रखे हैं उसका पेस्ट डालेंगे और इसे भी भुनेंगे। मसाला अच्छी तरह भुन जाना चाहिए। इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे और इसे भी मिक्स करके भून लेंगे। इसमें मलाई डालेंगे, काजू के पीस डालेंगे और इसे भी मिक्स करेंगे और भूनेंगे। मसाला भुन गया है, ये कढ़ाई छोड़ रहा है। अब इसमें हम दही डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह चलाएंगे। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, ये बहुत गाढ़ी है और जब इसमें गुलाब जामुन डालेंगे तो वो गुलाब जामुन ये पानी सोख लेंगे और सब्जी फिर से गाढ़ी हो जाएगी। एक बार ये पानी फिर गर्म होने देंगे। ग्रेवी अच्छी तरह उबल गई है। अब इसमें हम गुलाब जामुन डालेंगे जो कि हमने बनाए थे और इसे ज़्यादा देर तक नहीं उबालना है, इसे 1-2 मिनट ही रखना है। इसके बाद गैस बंद कर देना है। थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। बहुत ही रिच सब्जी बनी है, गुलाब जामुन की शाही सब्जी बन करके तैयार है। गुलाब जामुन की राजवाड़ी सब्जी बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।